हर व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या किसी भी संस्था का घेराव करने का अधिकार है। और यदि हमारे झारखंड के युवा बेरोजगार नौकरी की मांगों को लेकर यदि माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं तो कोई गलत नहीं है। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है तो आपने देखा होगा कि एक सप्ताह तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम किया है और इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री को विवश किया है कि वे सदन के अंदर जो नई नियोजन और स्थानीय नीति उन्होंने बनाया है उस पर वक्तव्य देने के लिए विवश किया है। सवाल यह है कि आज के दिन झारखंड के अंदर सबसे बड़ा यदि मुद्दा है तो पहला मुद्दा नियोजन का ही है, क्योंकि हर नौजवान बेरोजगार शिक्षित छात्र और छात्राएं सभी चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले। और दूसरा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मुखर है, विधायक सदन के अंदर मुखर हैं और पार्टी के कार्यकर्ता बाहर में मुखर हैं। सर एक सवाल और, थोड़ा सा पार्टी इस कार्यकाल में बीजेपी में तो इस बात को लेकर तब से झारखंड में भी बहुत चर्चा थी कि संगठनात्मक तौर पे क्या यही टीम रहेगी या नई टीम आएगी। सवाल मेरा ये सर कि क्या आप लोग क्या मानते हैं इस नई टीम में ही चुनाव? हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है, हम कार्यकर्ता कौन पद पर रहेगा नहीं रहेगा इसकी चिंता नहीं करते। पार्टी ने जो लक्ष्य दिया है, पार्टी ने जो काम दिया है, सारे कार्यकर्ता उस कार्य में व्यस्त रहते हैं। किसी को सोचने का भी फुर्सत नहीं है, सपने में भी नहीं सोचते हैं। पार्टी का जो आदेश होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका अक्षर से पालन करते हैं। कौन रहेगा नहीं रहेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और उचित समय पर उचित निर्णय केंद्रीय समिति लेती है। सीपी सिंह जी, लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि मुद्दा नहीं है, सिर्फ नियोजन का बहाना बनाकर सदन को बाधित कर रहे हैं। अरे भैया, नियोजन बहाना क्या है आप बताइए ना। आप बड़े बड़े विज्ञापन देते थे, खतियानी जोहार यात्रा। क्या हुआ खतियानी जोहार यात्रा का हश्र? सरकार को जवाब देना चाहिए ना। आपने 1932 का खतियान लगाकर भाषण दे रहे थे, अपने बेंच पर आगे में 1932 लगाकर भाषण दे रहे थे, क्या हुआ 1932 का? हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो गलत पूछ रहे हैं क्या? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।